हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्म में तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ मुफाड़ महाराज का, और इस सॉन्ग का नाम है जल्दी आओ। और इस सॉन्ग को प्रोड किया है रिफिक्स ने, और सत्ते पर सत्ता ये ईपी है। और इस बार मुफाड़ कुछ अलग ही लेकर आया सॉन्ग में, और जिस तरह से इस सॉन्ग का थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा है ये सॉन्ग जो है कुछ अलग ही होगा। और अभी हाल ही में मुफाड़ की कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, और मुफाड़ ने ये बताया था कि लोग बोल रहे हैं कि भगवान को उन्होंने जो है उल्टा बोला है, कुछ गलत बोला है, और वही सब होगा इस सॉन्ग में। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं कि इस बार मुफाड़ क्या कुछ लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओ मनिया इसका बेला चाओ समर्पित मैं सृष्टि और अग्नि को लिखी मैंने अपनी सोच, खड़ी करी तगड़ी फौज, मेरी प्रजा और मेरा ये रिश्ता ऐसा जैसे सरदार संभालता है पगड़ी को। जीने के लायक होते वैसे ही कंपल, I don't need to fake it, पहले दिन से हम्बल, नियत को कर अपनी मेहनत से साफ, फिर ऐसी कोई मुराद नहीं जो होना पाए मुकम्मल। तेरा मेरा भगवान एक नहीं, कहते हैं ये लोग जो पाए उसे देख नहीं, खुली तो मिले दो मुझे फरिश्ते, वो माँ बाप है मेरे, कोई किताब या कोई लेख नहीं। मैं पहला बेकसूर नहीं जो जेल जाएगा, मेरी लाइफ थर्ड डिग्री तू नहीं झेल पाएगा, मुझे रत्ती पर पछतावा नहीं है किसी बात का, गेम का नाम तू बता हम फट खेल जाएगा। है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, 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 आओ बैठा ऊपर से फूका पीछे से खेलो ना ये के, जिसको है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ से खेलो ना ये के। जहाँ मुड़ती नहीं वहीं साली मोड़ दी कलाइयाँ, तोड़े हाथ हटे पीछे टूटी झाइयाँ, एक मुठल बना कूल करके बात मेरी बंदी की, फिर सारे सूडो फैमिली की भाग गई लुगाइयाँ, ऐसा दिया जख्म निकली चीख नहीं, कभी ये तो मान सके इनकी ठीक नहीं, पागलों की दुनिया मेरे चक्कर में कहती मेरे जैसा पैदा हुआ कोई ठीक नहीं, मेरा ऊपर वाले से गहरा रिश्ता, मैं हूँ नास्तिक पर ये तो साले टेररिस्ट हैं, देते जान से मारने की धमकियां उसे जो कितनों की जिंदगी का थेरेपिस्ट है, तेरी धमकी से डरूं ऐसे गरम नहीं भगवान, मैंने देखा है कोई धर्म नहीं, ये साले जान भी ले जाएंगे ऊपर वाले के नाम पे, इन ठोंकियों का कोई दीन धर्म नहीं, कहानी ये टेबल और कुर्सी के नीचे की, सत्ता पे लगता है सट्टा, तभी भगा खुशियों के पीछे नहीं, भरा सुकून से लाल खूना रंग पक्का, चढ़ता जिस पे तो उतरता नहीं, आता नहीं समझ अगर कोई मुझे पढ़ता नहीं, मंदिर है मेरा मेरे मन के अंदर, तभी पूजा पाठ कोई करता नहीं। जिसको है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ऊपर से फूका पीछे से खेलो ना ये खेल, जिसको है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ, आओ बैठा हूँ भूखा ऊपर से फूका पीछे से खेलो ना ये के। जब तक पैसा ये पूछते कि कैसा है, दस्तूर ही दुनिया का ऐसा है, ऐसो के लिए अदब ना बनना कोई लहजा, ये कब जाएंगे ऊपर सवाल मुंह पे रहता है, इनके मारो पल्ले लपेट के गद्दे में, ऊपर से चूतिया और लिखवा दो मत्थे पे, इतना अकेला कर दो करे खुद से ही बात, इन्हें विश तक मत करो इनके बर्थडे पे, महाराज में प्रजा की अटकती जाने, बना के मैं रखूं ऐसे 36 गाने, धीमे भी करूं तो मैं फ्लो करूं स्मूथ जैसे 16 की मात्रा पे 32 ताने, मेरे रेडियस में वेलकम डियर, सॉलिड में लाइफ है सरकमस्फीयर, मेरी मैथ्स तो ठीक ही है डार्लिंग, पहले मेरी स्किल्स काउंट कर फिर कर कंपेयर। जिसको है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पीछे से खेलो ना ये के। मुफाड़ का फाड़ो ट्रैक खत्म। जल्दी आओ, भूखा भी हूँ और फूका भी हूँ, पीछे से वार मत करो। और मुफाड़ का जो फ्लो था वो काफी सही लगा, और साथ ही साथ जिस तरह से मुफाड़ जो भड़कते हैं, जब भड़कते हैं तो इस तरह के जो ट्रैक लेकर आते हैं वो काफी सही लगते हैं, और मुझे इस ट्रैक के जो लिरिक्स थे वो काफी सही लगे। मेरी फौज मेरा ऐसा ध्यान रखती है जैसे सरदार संभालता है पगड़ी को, क्योंकि सरदार की जो शान होती है वो पगड़ी होती है। तो यही बात बोली है यहाँ पर मुफाड़ ने कि मेरी फौज जो है वो मुझे ऐसा संभालती है जैसे सरदार संभालता है पगड़ी को। नियत को कर अपनी मेहनत से साफ, ऐसी कोई मुराद नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर मुफाड़ ने यही बोला है, अपनी मेहनत को जो है नियत से साफ कर, और ऐसी कोई भी मुराद नहीं होगी, ऐसी कोई भी तेरी इच्छा नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। तेरे मेरे भगवान एक नहीं, कहते हैं लोग, और जब भगवान को देखा ही नहीं। तो रिसेंटली जो उनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी मुफाड़ के साथ, तो लोगों ने यही बोला था कि तेरे भगवान अलग है और हमारे भगवान अलग। तो मुफाड़ ने यहाँ पर यही बोला है, जब भगवान को देखा ही नहीं तो कैसे बोल सकते हैं कि तेरे भगवान अलग है और मेरे भगवान अलग है।
वो कहते हैं ना भगवान तो एक ही होते हैं, यानी सबका मालिक एक होता है, ऊपर वाला एक ही होता है। और यहाँ पर मुफाड़ ने यही बोला कि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने दो फरिश्तों को देखा जो कि मेरे माँ बाप थे। और सच बोलो ना गाइस, इस बार मुफाड़ जो है इस तरह के लाइंस लेकर आए हैं वो काफी सही लगी। मुठर बना कूल मेरी बंदी की बात करके, और यहाँ पर मुफाड़ ने कृष्णा के बारे में बोला है, कृष्णा को बोला है मुठल, क्योंकि कृष्णा ने मिस स्पाइडर वाले कॉन्सेप्ट में मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को कुछ बोला था और उसी का यहाँ पर रिप्लाई दिया है मुफाड़ ने कि जब उसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला था तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला था और अब आप लोगों ने इतना कुछ बोला, तो यहाँ पर उसी का रिप्लाई दिया है मुफाड़ ने। ये जान से मारने की बात करते हैं और यहाँ पर मुफाड़ ने यही बोला कि ये जान से मारने की बात करते हैं मुझे, और मेरे जो गाने हैं वो थेरेपी है लोगों के लिए, तो ये मुझे मारने की बात करते हैं तो ये थेरेपी कैसे होगी लोगों की, तो वहाँ पर यही बात बोली है मुफाड़ ने। और इस तरह एक एक पॉइंट लेकर आया है यहाँ पर मुफाड़ और इस तरह के लिरिक्स लाए हैं मुफाड़, वो काफी सही लगे। और साथ ही साथ उन्होंने कृष्णा पर भी शॉट लिए हैं, वो काफी शॉकिंग था, और साथ ही साथ वो फनी भी थी लाइनें जिस तरह से उन्होंने शॉट लिए हैं कृष्णा पर। माथे पे लिख दो इनके चूतिया और इनको अकेले ही रखो, और इनके बर्थडे पर इनको विश भी ना करो। और इस तरह के जो लिरिक्स लेकर आए इस बार मुफाड़, यानी इस बार मुफाड़ ने सच में ही फाड़ के रख दी, और लिरिक्स उनके इतने फाड़ू थे वो सच में काफी अच्छे लगे। और जैसे गाने के पीछे बेला चाओ का जो म्यूजिक बज रहा था वो काफी अच्छा लग रहा था, जिस तरह से वो पूरे सॉन्ग में बज रहा था वो काफी सही लगा। और जिस तरह से यहाँ पर मुफाड़ ने ये बोला कि मैं नास्तिक हूँ पर मेरे अंदर मंदिर है, यानी उनका जो काम है वो मंदिर है, अपने काम को जो पूछते हैं, और उन्होंने ये पहले ही बोला था कि मैं अपने काम को पूछता हूँ। और मुझे इस सॉन्ग में वाइब काफी अच्छी लगी मुफाड़ की, और मुफाड़ के जो लिरिक्स थे वो सच में ही फाड़ू थे, फायर थे। और इस बार मुफाड़ काफी भड़के हुए आए थे और इस तरह उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। तो गाइज मुझे ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा और मैंने सॉन्ग का काफी एंजॉय किया, और जिस तरह से मुफाड़ लिरिक्स लेकर आए वो अमेजिंग थे। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मधुफिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।